हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास प्रोग्राम स्टार लाइफ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ उन एक्ट्रेस के बारे में जो अपनी शादी के बाद विदाई में फूट फूट कर रोई हैं। दोस्तों, हर लड़की के लिए उसकी शादी का दिन उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन होता है, लेकिन इसी दिन वो काफ़ी दुखी भी होती है, क्योंकि आखिरकार उसको अपने माता पिता को छोड़कर जाना होता है। ये सबसे दुख भरा पल होता है हर लड़की के लिए और उसके माँ बाप के लिए। तो बता दे दोस्तों कि इस इमोशन से हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस भी नहीं बची हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में हम उन एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाली हैं जो अपने विदाई के समय फूट फूट कर रोई थी। तो बता दे कि इस लिस्ट में नाम शामिल होता है ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन का भी। जी हाँ दोस्तों, ऐश्वर्या राय बच्चन जिन्होंने अभिषेक बच्चन से शादी कर अपना घर बसाया। बता दे दोस्तों कि ऐश्वर्या भी अपनी विदाई में काफ़ी इमोशनल नजर आई थी। तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में विराट कोहली से शादी करने वाली एक्ट्रेस यानी अनुष्का शर्मा भी अपनी विदाई के समय काफ़ी दुखी नजर आई थी। हालांकि उन्होंने इटली में जाकर शादी की, लेकिन जब उनकी शादी के बाद विदाई की रस्में शुरू की जा रही थी तब वो काफ़ी दुखी नजर आई थी। तो आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की उच्च एक्ट्रेस के बारे में जो अपनी विदाई के समय पर काफ़ी दुखी नजर आई थी। तो चलिए बिना देर किए ही शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन किसी पहचान की मोहताज नहीं है। काफ़ी समय से वो फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं और हमेशा ही उनको उनकी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। तो साथ ही अक्सर ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खबरों में रही हैं ऐश्वर्या। जैसा कि सब जानते हैं, उन्होंने एक्टर अभिषेक बच्चन से शादी कर अपना घर बसाया है। तो बता दे दोस्तों कि अपनी शादी में बेहद खूबसूरत लग रही थी ऐश्वर्या। उनकी तस्वीरों को आप भी देख सकते हैं। तो बता दे, जब अभिषेक शादी के बाद उनको अपने घर ले जा रहे थे, तब हर आम लड़की की तरह ही ऐश को भी काफी इमोशनल देखा गया। कहा गया था कि अपनी विदाई में खूब रोई थी ऐश्वर्या। वेल, उनकी इन फोटोज को आप भी देख सकते हैं, जिसमें बेहद खूबसूरत नजर आई ऐश्वर्या राय बच्चन। तो साथ ही बात की जाए अगर हाल ही की, तो बता दे दोस्तों कि ऐश्वर्या और अभिषेक आज बी टाउन का जाना माना शादीशुदा कपल है। हमेशा ही इन दोनों को साथ देखा जाता है, और ना सिर्फ इन दोनों को बल्कि इनके प्यार को भी हमेशा देखा जाता है। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस करिश्मा कपूर हमेशा ही अपनी लाइफ को लेकर खबरों में रही हैं। कहा जाता है कपूर खानदान में लड़कियों को फिल्मों में काम करने की इजाजत कभी भी नहीं थी, लेकिन खानदान की इस परंपरा से परे जाते हुए करिश्मा ने अपनी एक अलग खास जगह बना ली थी। बता दे, उन्होंने दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी। कहा जाता है कि करिश्मा की पहली शादी ऐसी थी बी टाउन में, जिसको मीडिया की पूरी कवरेज मिली थी। दोनों की शादी काफी चर्चा में भी रही थी। तो शादी के समय पर काफी खुश और खूबसूरत लग रही थी करिश्मा कपूर, लेकिन दोस्तों एक आम लड़की की तरह ही वो भी अपनी विदाई के समय पर खूब रोई थी। लेकिन बता दे कि शादी के बाद करिश्मा कभी भी खुश नहीं रह पाई। उन्होंने अपनी शादी के बारे में कई बार खुलकर बात भी बोली है। उन्होंने एक बार ये तक कह दिया था कि उनके पति संजय उनके साथ मारपीट भी करते हैं। अपने पति से दुखी होने के कुछ समय बाद उन्होंने उनसे तलाक ले लिया और आज दोनों ही सेपरेट रहते हैं। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार अनुष्का शर्मा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर ना होते हुए भी उन्होंने अपने लिए खास जगह बना ली। तो साथ ही पिछले कुछ समय से वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खबरों में रही हैं। तो आज उनकी शादी से जुड़ी एक ऐसी ही बात हम आपको बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे।
दोस्तों किसी भी लड़की की शादी होना उसकी जिंदगी का जितना खूबसूरत पल होता है तो वहीं उसके लिए सबसे मुश्किल घड़ी होती है, क्योंकि इसी दिन हर लड़की को अपने परिवार से दूर होना पड़ता है और लड़की और उनके परिवार के लिए काफी दुख और खुशी की घड़ी होती है। तो बता दें हमारी बॉलीवुड स्टार्स भी इस इमोशन से नहीं बची हैं। बता दें अपनी शादी में अनुष्का भी अपनी विदाई में फूट फूट कर रोई थी। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली से शादी के बंधन में बंधने के बाद अनुष्का भी अपने परिवार से दूर होने के दर्द को नहीं छुपा पाई और रो पड़ी। उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई जब विदाई की रस्मों को पूरा कर रही थी अनुष्का और इसी बीच काफी इमोशनल और आंखों में पानी नजर आया। कॉमेडी क्वीन भारती सिंह हमेशा ही किसी ना किसी बात को लेकर खबरों में रहती है। जैसा कि सब जानते हैं, जब भी स्टेज पर आती है तो हमेशा ही लोगों को हंसा हंसा कर पागल कर देती हैं भारती सिंह। तो साथ ही बता दें कि अपनी शादी को लेकर वो काफी समय खबरों में रही थी। जैसा कि सब जानते हैं, उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड हर्ष लिम्बाचिया से शादी रचाई थी। गोवा में दोनों ने डेस्टिनेशन वेडिंग की जो खूब चर्चा में भी रही थी। तो बात की जाए अगर उनकी विदाई के बारे में, बता दे दोस्तों अपनी विदाई में अपनी बहन से लिपट लिपट कर खूब रोई थी भारती सिंह। हर किसी को हंसाने वाली भारती को ऐसे रोते देख हर किसी की आंखों में पानी आ गया था। तो वहीं अपनी शादी के बाद भी आज वो खबरों में रहती हैं। अक्सर ही उनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर देखा जाता है जब अपने पति के साथ दिलकश अंदाज में नजर आती हैं आप सभी की फेवरेट भारती सिंह। बॉलीवुड के फैशन दीवा के नाम से जाने जाने वाली सोनम कपूर के बाद अब मिस इंडिया रह चुकी नेहा धूपिया ने भी एक्टर अंगद बेदी से गुपचुप शादी कर ली है। बता दें नेहा की शादी की खबर किसी को कानो कान नहीं थी, लेकिन दोनों अब शादी करके अपना घर बसा चुके हैं। लेकिन हाल ही में नेहा की एक फोटो सामने आई है जिसमें वो रोती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, दरअसल नेहा की ये फोटो विदाई के वक्त की है जिसमें वो अपने पापा से गले लग लग कर रोती हुई दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है। पापा के लिए नेहा का ये प्यार उनकी तस्वीर से ही सब बयां कर रहा है। इस फोटो को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि नेहा अपने पापा को कितना प्यार करती हैं। बता दें हाल ही में नेहा शादी के बाद अमेरिका के लिए भी हनीमून पर निकल गई हैं और पति अंगद के साथ नेहा हनीमून मनाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी दिखाई दी। उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा गया था जिसमें वो पति अंगद के साथ दिखाई दे रही थी और हाथों में उन्होंने चूड़ा पहना हुआ था और दोनों साथ में काफी खुश दिखाई दे रहे थे। वेल दोस्तों, देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस के बारे में जो अपनी शादी के बाद विदाई में अपने माता पिता से दूर होते समय काफी दुखी नजर आई। जहां हाल ही में नेहा धूपिया ने भी गुपचुप शादी रचा ली हर किसी तो बता दे कि नेहा धूपिया भी अपने पिता के गले लगकर काफी दुखी नजर आई। तो वहीं दूसरी तरफ कॉमेडी क्वीन भारती सिंह, जिनको उनकी कॉमेडी के लिए ही जाना जाता है, बता दे कि गोवा में अपने बॉयफ्रेंड हर्ष लिम्बाचिया से उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग की थी, लेकिन विदाई के समय पर भारती सिंह भी फूट फूट कर रोने लगी थी। तो साथ ही बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी करिश्मा कपूर, जिन्होंने दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर अपना घर बसाया था। बता दे इनकी शादी को कहा जाता है कि बी टाउन में इनकी पहली शादी ऐसी थी जिसकी मीडिया को पूरी कवरेज मिली। बता दे दोस्तों कि अपनी विदाई के समय पर करिश्मा कपूर को भी घर वालों से दूर होने के बाद काफी दुखी देखा गया था। वेल दोस्तों, हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।
सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।